23 तारीख को 11 बजे पफाना में आ रहे हैं, जन आशीर्वाद रैली में वो अपना संबोधन देंगे। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से, खासतौर से अपने टोहाना में अपने व्यापारी भाइयों से और पूरे हल्कावासियों से अपील करना चाहूंगा, ये लड़ाई बबली को विधायक बनाने या नहीं बनाने की नहीं है, ये विधायक ये है टोहाना को जो सम्मान की राजनीति है उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाने की, और जो टोहाना में डेवलपमेंट हम लेकर आए हैं, जो गाड़ी मैंने पटरी को चढ़ाई है उसको मंदिर तक पहुंचाने की, तो उसके लिए आप 23 तारीख को 11 बजे अपने जो टाउन पार्क है उसके सामने ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंच के रैली को कामयाब करें, अमित शाह जी को सुने और मुझे आशीर्वाद। जो कांग्रेस ने है, आप देखिए कांग्रेस में जो इनका आपसी गृह युद्ध है, अब हमारे जो शैलजा जी हैं उनके ऊपर जो टिप्पणी आपने देखी उसे पूरा समाज आहत हुआ है। ये इस टाइप की जो राजनीति है, क्षेत्रवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी ने उससे प्रदेश को बाहर निकालने का काम किया है। या तो एक परिवार, एक 10 साल जो कांग्रेस की सरकार थी तो डेवलपमेंट कहाँ थी प्रदेश में, एक बार आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, उस साल उस 10 साल में आप अपने फतेहाबाद जिले को, टोहाने हल्के को, अदर जिलों को छोड़ के 2-3 दिनों में डेवलपमेंट थी, और वहाँ एक परिवारवाद का एक अपना ही वर्चस्व था। आज भी वही कांग्रेस की वही एक उनकी जो परंपरा रही है, सीनियर नेत्री है बहन शैलजा जी, अब उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस मानसिकता के लोग हैं, और समाज में बड़ा रोष है। और वो 3-4 चल रही है, आपने एक मैंने भी देखी सोशल मीडिया पर, एक तो घर भरने वाली बात कही है, एक ने अपने वाले ने कहा है कि कॉलेज जो हमारे यहाँ से है, टोहाने से कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने कहा है कि यहाँ कॉलेज की क्या जरूरत है कि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिले, और एक और ने कुछ और टिप्पणी दी है कि हमारे वहाँ शायद फरीदाबाद से उन्होंने कहा है कि 50,000 नौकरियां आप उसमें देने का काम करेंगे। तो पहले भाई भतीजावाद था जो अपने रिश्तेदारों को नौकरियां